वजीरे फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का जो हशर हुआ है, आने वाले इंतखाबात में बीजेपी का भी वही हशर होने वाला है। मेदक जिले के शिवमपेट में बीआरएस पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत तेलंगाना में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना की तरक्की के लिए एक रुपया भी फंड जारी ना करने का ऐलान किया था। उस वक्त तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के वुजरा और कायदीन ने किरण कुमार रेड्डी के उस बयान के खिलाफ कोई रद्दअमल नहीं दिया और ना ही अपनी जबान खोली। बाद अजां तेलंगाना की तश्कील के बाद मुनक़िदा इंतखाबात में कांग्रेस के कायदीन का बुरा हशर हुआ। कई कायदीन अपनी जमानतें भी नहीं बचा पाए। इस तरह तेलंगाना की तश्कील के बाद मुनक़िद होने वाले पहले इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस का बुरा हाल किया था और तेलंगाना में कांग्रेस खत्म होकर रह गई। अब बीजेपी की बारी है, क्योंकि मरकज की बीजेपी हुकूमत भी तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफी कर रही है।